यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। आगे बढ़ेंगे, इसी वक्त की बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां नाइजीरिया में बंधक बनाए गए युवकों को छुड़वा लिया गया है। जी हां, बड़ी खबर है, हिमाचल के तीन जो नौजवान थे, और इस बात की जो पुष्टि है वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खुद की है। तीन युवकों को समुद्री लुटेरों ने जो बंधक बनाया था, हिमाचल के जो तीन नौजवान थे उनको छुड़वा लिया गया है और दो तीन दिन में उन युवकों को वापस भारत लाया जाएगा। तो निजी मर्चेंट नेवी में ये कार्यरत थे तीनों युवक जो थे, उनको नाइजीरिया में समुद्री लुटेरों ने बंधक बनाया था और उनसे फिरौती की मांग की जा रही थी। उनके घर में फोन करके फिरौती की मांग की जा रही थी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बात की पुष्टि की है कि उन तीनों नौजवानों को छुड़वा लिया गया है समुद्री लुटेरों की कैद से। और क्या कुछ इस पर अपडेट है, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं धर्मशाला से हमारे संवाददाता मनोज धीमान। मनोज, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी मन, देखिए बहुत लंबे समय से अपने बेटों का इंतजार कर रहे परिजनों को अब कहीं जाकर के राहत मिली है और केंद्र की सरकार ने नाइजीरिया में बंधक बनाए गए उन तीनों युवकों को लुटेरों की कैद से छुड़ा लिया है जी। और दावा यह भी किया जा रहा है कि दो या तीन दिन में उनको हिमाचल उनके गांव में उतार लिया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वो उन माता पिता को संतुष्टि हुई है कि केंद्र सरकार ने कोई बहुत बड़ा कदम उनके बेटों को छुड़ाने में किया है। हालांकि इस बात की पुष्टि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज की है, वो उन्होंने लिखा है कि उन तीनों नौजवानों को छुड़ा लिया गया है। उसके उपरांत अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बात करें तो उन्होंने भी मंडी में आज ये बात मीडिया के सामने रखी है कि तीनों युवकों को जो है वो उनके उनसे छुड़ा लिया, लुटेरों के चंगुल से छुड़ा लिया गया है और उनको सकुशल जो है वो उनके पैतृक गांव में ले आया जाएगा और उनके परिजनों के हवाले किया जाएगा ताकि उनके परिजन जो है वो राहत की सांस कहीं ना कहीं ले सकेंगे। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरह से आपने इस पूरी खबर को जब सामने आया था कि तीन नौजवानों को बंधक बनाया गया है, आपने उनके घर तक पहुंचकर ये सारा कुछ कवर किया, उनके परिवार से मिले, अब हमारी खबर का जब असर होता नजर आता है, जयराम सरकार ने खुद बात की विदेश मंत्रालय से, अपना खुद समय निकालकर ध्यान दिया, क्या आपको लगता है वाकई में अब जयराम सरकार हरकत में है और हर एक जनता के मुद्दे को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रही है? जी मन, देखिए जिस तरह से हमारे चैनल ने इस खबर को मुख्यतः प्रमुखता देते हुए समय निकाल करके इस खबर को चलाया था, ज्यादा से ज्यादा ये खबर दिखाई गई। उसके बाद जो है प्रदेश सरकार ने विदेश सरकार के साथ मिलकर एक अहम फैसला लिया था। हालांकि इस जो ये मुहिम चलाई गई थी इसमें कांगड़ा चंबा के सांसद भी इस दौड़ में आगे आए थे, उन्होंने भी जो है वो केंद्र सरकार विदेश मंत्री से बात की थी। तो ये सब मिलजुल कर के जो कार्य किया गया है, हालांकि 18 दिन के बाद ये जो बात सामने आई है कि उन तीनों को सकुशल छुड़ा लिया गया है उन लुटेरों के चंगुल से, तो हमारे चैनल द्वारा जो ये खबर दिखाई गई उसके बाद सरकार हरकत में आई, क्योंकि एक नहीं बल्कि हमारे पूरी टीम इस मुहिम में जुड़ चुकी थी। पूरी टीम का जो ये असर जो है सरकार पर गहराया था, सरकार ने अब जो है वो कदम मतलब गहनता से इस पे कार्य किया और अब तीनों को छुड़ा लिया गया है। तो इसमें सरकार भी जो है वो उसकी प्रशंसा करना भी हमारा फर्ज बनता है। सरकार ने एक मतलब चतुराई दिखाते हुए इन तीन जो लोग थे हिमाचल के जो तीन बेटे थे उनको सकुशल लुटेरों की चंगुल से छुड़ाया है और अब सतर्कता बरते हुए उनको हिमाचल प्रदेश उनके कांगड़ा में कांगड़ा जिला के उनके पैतृक गांव में लाया जाएगा, वापस लाया जाएगा। मनोज, क्या आपके पीड़ित परिवार से बात हो पाई है, क्या क्या कुछ कहना है उनका? जी मैं अभी फिलहाल जब मेरी उनसे टेलीफोनिकली बात हो रही है, उनसे तीन बार मैं उनको फोन कर चुका हूं लेकिन वो फोन नहीं उठा पा रहे हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं दूसरे फोन कॉल पे ना व्यस्त हों, क्योंकि उनको भी केंद्र सरकार की तरफ से फोन आया होगा तो उनसे भी बात हो रही है, तो जैसे उनसे संपर्क साधा जाएगा तो जी बिल्कुल आपसे फिर हम बात करेंगे। मनोज, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं खबर अभी तक ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जब तीनों नौजवानों को बंधक बनाया गया समुद्री लुटेरों की तरफ से और सरकार ने इसमें गंभीरता से काम लिया, विदेश मंत्रालय की तरफ से पुष्टि कर दी गई है तीनों रिहा हो चुके हैं और जल्द अपने घर वापस लौट आएंगे।